मुझे नहीं पता कि आप नोकिया के कितने बड़े फैन हैं, लेकिन नोकिया आज की तारीख में पूरी तरह से डूब चुकी है। लेकिन अपनी इसी डूबती नैया को बचाने के लिए नोकिया एक नया 5G फोन लेकर आ रहा है, जो है नोकिया G42 5G। अदर कंट्रीज के अंदर ये फोन लॉन्च हो चुका है और इंडिया में बताया जा रहा है कि शायद 11 सितंबर के आसपास ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। प्राइस की बात पहले कर लेते हैं, फीचर्स के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। प्राइस इस फोन की हो सकती है 16,000 से 20,000 रुपए के बीच में, क्योंकि बाहर अदर कंट्रीज के अंदर इस फोन की प्राइस वही है 19-20,000 रुपए। दो वेरिएंट्स के अंदर ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, 4GB 128GB और 6GB 128GB। चलिए देखते हैं नोकिया अपनी डोपी नैया को बचाने के लिए इस नोकिया G42 5G के अंदर ऐसा क्या स्पेशल दे रहा है। तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर 6.56 इंच की एक HD+, हाँ सिर्फ HD+ क्वालिटी वाली आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस 560 निट्स की मिलेगी, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और पीछे की तरफ प्लास्टिक बॉडी आपको इस फोन के अंदर मिलेगी। याद रखना ओनली HD+ क्वालिटी वाली डिस्प्ले है, FHD+ वाली भी नहीं है। अब प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 480+ का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर पर काम करता है। नोकिया का अपना खुद का बनाया OS इसके अंदर मिल जाएगा और एंड्रॉइड 13 के साथ इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.1 या फिर 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकता है। और कंपनी का कहना है कि हम 2 साल का आपको OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देंगे। चलिए ये तो रही प्रोसेसर की बात। कैमरा इस फोन के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का तीसरा डेप्थ कैमरा मिलेगा। फ्रंट के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 1080p तक ही कर पाएंगे। बैटरी की बात करें तो इस फोन के अंदर 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जिससे चार्ज करने के लिए 20W का चार्जर हाँ बॉक्स के साथ ही मिल जाएगा। 3.5mm हेडफोन जैक हाँ वो भी मिल जाएगा। एक ही स्पीकर आपको इस फोन के अंदर मिलेगा, 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ इस फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस फोन के अंदर मिलेगा और आप चाहे तो 1 TB तक का स्टोरेज इस फोन के अंदर बढ़ा सकते हैं। साथ ही इस नोकिया G42 5G के अंदर नोकिया एक ओजो प्लेबैक का स्पेशल फीचर दे रहा है। क्या है ये ओजो स्पेशल फीचर? अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल फालतू चीज़ है, इसके ऊपर आप ध्यान मत देना। अगर नोकिया कमबैक करना चाहता है तो उसको भी पता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल तो देना ही पड़ेगा, जिससे लोगों का ध्यान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो बस लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ये ओजो फीचर दिया गया है। इस ओजो वोजो के चक्कर में मत पड़ना, ये सब लोगों को बेवकूफ़ और अट्रैक्ट करने के लिए ही दिया गया है। लास्ट में वही एक सवाल आ जाता है कि क्या इस फोन को खरीदना चाहिए? तो मैं अपना ओपिनियन दूँ तो नहीं, इस फोन को बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फोन की प्राइस 16,000 से 20,000 रुपए के बीच में रहने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो इस फोन को खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इस फोन के अंदर सिर्फ HD+ वाली क्वालिटी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। कम से कम FHD+ वाली, फुल HD+ वाली तो डिस्प्ले मिलनी ही चाहिए थी। HD+ क्वालिटी वाली डिस्प्ले देकर कंपनी क्या साबित करना चाहती है, मुझे नहीं समझ में आया है। हाँ, अगर इस फोन की प्राइस 12,000 रुपए के आसपास रहती है, 12,000 रुपए और 13,000 रुपए के बीच में, तो आप इस फोन को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 12,000 से 13,000 रुपए प्राइस हो सकता है, मैंने कुछ ज्यादा कम बता दी हो, लेकिन 15,000 बस लास्ट 15,000 रुपए इस फोन की प्राइस है और होनी चाहिए। इससे अगर ये फोन ऊपर आता है तो बिल्कुल भी 1% भी खरीदने के बारे में मत सोचना। मार्केट में इससे भी बढ़िया फीचर के साथ कम प्राइस के अंदर आपको 5G फोन देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे कितने भी बड़े नोकिया के फैन लवर हो, मत सोचना, वरना आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको पहले बताया नहीं था।